हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, हमारा प्रॉफिट लॉस का आज अगला क्लास है। इस क्लास में हम उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कई बार एग्जाम में बने हैं और आगे भी एग्जाम में बनेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन देख के आपको पता चल गया होगा कि कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया पहला, कि एक व्यक्ति अपने सामान को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता तथा 55 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो बतावे वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन देखिए एक ऐसा तरीका हम आपको बताएंगे जिस तरीका से बिना एक्स माने हुए आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले गए। सो क्या कहा है कि 10% हानि पर बेचता है, ठीक है, 10% हानि पर बेचता है। बनाने का तरीका देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सीधी बात है, सबसे पहले आप 100% लिखिए, ठीक है, 100% लिख लिए, गुना कर दीजिए, गुना का साइन दे लीजिए। 10% हानि का क्या मतलब होता है आपको खूब पता है, 90%, इतना तो आपको पता है। चलिए इतना बात पता है, अब आगे बढ़िए। यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता, 20% कम का क्या मतलब होता है खूब जान रहे, 80% होता है, 80% लिख दिए, गुना करना है गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसे 40% का लाभ होता, 55 रुपया अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता, तो 40% लाभ का मतलब आप बड़ी अच्छी तरह से जान रहे हैं, 140% हो जाएगा। ये दो को चीज करना है, देखिए पहले खाली कहा 10% का हानि, इसके साथ दुगो का जोड़ा पुराना था इसलिए 100% शुरू में लिख लिए, इधर दुगो प्रतिशत पुड़ गया। आ कम बेसी का मतलब माइनस होता है, अंतर होता है, आ कितना का अंतर है तो 55 रुपया का अंतर है, इतना बात क्वेश्चन में दे दिया गया। चलिए इतना बात ठीक है। हाँ, अब क्या करना है वो जरा देख लीजिए, 100% को वैसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है, आगू ना ये 90 बटा क्या कर दीजिए, 90/100 कर दीजिए। अच्छा आगे बढ़िए, अब क्या करते हैं 80% को वैसे ही रहने देंगे, गुना 140 बटा का क्या कर देंगे प्रतिशत हटा देंगे। देखिए क्या किए, दोनों अंत वाला में से हम प्रतिशत को हटा के नीचे में 100 लगा रहे हैं। तरीका सीख लीजिए, खाली बस तरीका सीखने के लिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो अभी तक क्वेश्चन बन चुका होता। 1020 खत्म हो गया, आई 100 से 100 खत्म हो गया, इधर बच गया कितना तो 90% माइनस का, इधर कितना कितना हो जाएगा 14/8 बढ़ोतरा से मतलब 112, कितना 112% बराबर कितना हो जाएगा 55। अभी दोनों में देखिए कितना का अंतर है तो 10 इधर 12 उधर 22, यानी 22% का वैल्यू कितना आ गया 55 आ गया, ठीक है। कर्ण मूल हमेशा 100% होता है, ठीक है, तो 22% बराबर 55 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, क्या कीजिए 55 × 100 बटा का क्या कर दीजिए 22% से, तो प्रतिशत खत्म ही हो जाता है, 11 × 2 = 11/5 दो से कितना बार में कट जाएगा 50 बार में, यानी 50 का कितना हो जाएगा 25, यानी 250 रुपया, यानी कि कर्ण मूल कितना था 250 रुपया। तरीका सिखाए है इसलिए इतना टाइम लग गया है, हमको बनाना होता बस 10 सेकेंड 5 सेकेंड काफी था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, क्या कहा गया है, एक व्यक्ति अपने वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वो उसे 5% कम में खरीदा होता तथा 88 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन ने कहा कि 55 रुपया अधिक में बेचा होता, नीचे वाला ने कह रहा है कि 88 रुपया कम में बेचा होता, तो अधिक कम का सीधा मतलब अंतरे न होता है, तो क्वेश्चन मार्क का टाइपोवा वही है, खाली ये घुमाने का प्रयास किया था, हम नहीं घूमेंगे क्योंकि पहले से जानते हैं अधिक कम का मतलब हमारा माइनस ही होता है। तो देख लीजिए कितना कम इतना ज्यादा की बात कर रहा है, सीधा वही प्रक्रिया लगाएंगे कि पहले लिख लेंगे 100% और उसके बाद जो पहला कहा कि 25% लाभ पर बेचते हैं तो 125 बटा का 100 लगा देंगे, ये सिखाए थे इसलिए अब डायरेक्ट कर रहे हैं। और माइनस का कितना, अब कहा कि वह 5% कम में खरीदा होता, 5% कम में खरीदा होता मतलब 95%, और गुना का तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता, 20% का लाभ होता, तो 120 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब वो प्रक्रिया कर दीजिए, 0 से 0 कर जाएगा, यानी 100 से 100 खत्म हो जाएगा, इधर कट रहा है काट दीजिए, कट सकते हैं आराम से 6 बार में या 5 बार में, आई कितना बार 19/5 = 95 कर जाएगा, आ कितना ज्यादा कम में बोल रहा था तो इसमें 88 रुपया ज्यादा कम की बात है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर से 125% और माइनस का 16 × 4
अब इधर कितना हो जाएगा 14 से मतलब 114 हो जाएगा प्रतिशत, बराबर कितना 88 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितना का अंतर है, इधर 6 हो जाएगा और उधर 5, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11% बराबर कितना है तो 88 है, तो हमको कार्य मूल निकालना है, हमेशा 100% का मान निकालेंगे, 88 गुना का 100 बटा का क्या हो जाएगा 11, 8 बार में कट जाएगा, यानी 800 रुपया क्या हो जाएगा कार्य मूल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के प्रॉफिट लॉस में, वो क्वेश्चंस को आप आसानी से बना लीजिएगा। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जो भी नए विद्यार्थी जो भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि कंपटीशन की तैयारी करें, उनको जरूर बता दीजिएगा हाई फाई स्टडी विथ लव शर्मा, चैनल का नाम हाई फाई स्टडी विथ लव शर्मा है। आप कमजोर विद्यार्थी को बता सकते हैं, वो हमसे जुड़ करके और बेनिफिट ले सकते हैं। हम हमेशा कमजोर विद्यार्थियों को सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।